रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट अब अपने धीरे धीरे पैर पसारता नजर आ रहा है, और इसी का ही असर हमने हफ्ते के बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भी और कल के कारोबारी दिन भी देखा था, ऐसे में आपको क्या लगता है नए वेरिएंट का असर कम्युनिटी बाजार पर कितना देखने को मिल सकता है, चाहे एग्री कम्युनिटी हो चाहे नॉन एग्री कम्युनिटी? देखिए, जहां तक नए वेरिएंट के इंपैक्ट की बात है कमोडिटी मार्केट के ऊपर, देखिए अगर ये फैलता है तो एक बार पैनिक के चलते सभी बाजार जो है वो करेक्शन में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, गिरावट आ सकती है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो या फिर इक्विटी हो या फिर गोल्ड सिल्वर एनर्जी सेक्टर, सभी बाजार एक बार लुढ़कते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है वो कुछ एक कमोडिटीज हैं, जैसे कि आपको सोना और चांदी में अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। और इसके साथ साथ अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ एक कमोडिटीज ऐसी हो सकती है जिसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको कॉटन की कीमतों में तेजी बन सकती है, राइस में तेजी बन सकती है, जो कुछ एक जो जरूरत की चीजें हैं उनमें थोड़ा सा हो सकता है कि स्टॉकिस्ट एक बार फिर से हावी होते हुए दिखाई दे, एडिबल ऑयल पैक में वापस से बाउंस बैक आ सकता है। तो कुछ एक कमोडिटीज ऐसी हैं जिनमें तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जैसे ही इंपैक्ट आता है तो सभी कमोडिटीज एक बार क्रैश भी होती हुई नजर आ सकती हैं। जी,